Next method, method number 11. मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, पहले ये मेथड के बारे में पहले बता देता हूं कि ये मेथड सेम फोर की मेथड है। अब तक हमने जो मेथड वन से लेकर टेन तक सीखा वो था ट्वेल्थ सेम थ्री। ओके, ट्वेल्थ सेम थ्री के मेथड्स हैं वन से लेके टेन तक। अब ये इलेवन से लेके जो फिफ्टीन तक है वो मेथड चैप्टर नंबर टू सेम फोर के हैं, बट पूरा चैप्टर का नाम ही ऐसा है इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन, तो मैं उसको साथ में ले रहा हूं। ओके, तो अब आपको अगर ये रिफर करना है तो याद रखिए बोर्ड का चैप्टर नंबर फोर सेम फोर, सॉरी चैप्टर नंबर टू सेम फोर। ओके, चलो मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम जैसे अब तक हमने देखा कि हम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इंटू जी कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन ना, इंटीग्रेशन ही बोला हूं। एफ कांस्टेंट जी का डिफरेंशिएशन प्लस जी कांस्टेंट एफ का डिफरेंशिएशन। तो आपके मन में इक्वेशन तो आता ही था पहले से कि भाई सर मैं इस तरीके से इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकता। इंटीग्रेशन का एफ इंटू जी तरीके से इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो भाई वो इंटीग्रेशन के अंदर चेन रूल ऐसा कुछ लगता नहीं है। आपको ये मेथड नंबर 11 याद रखना है एफ इंटू जी के लिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा पहले कि मतलब कि दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन के अंदर दिए हुए हैं तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो आप याद रखना u एंड v dx, f इंटू जी भी लिख सकते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले u कांस्टेंट, क्या करना है u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन, क्या लिखना है u कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन, इतना समय में माइनस होल इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई u का डिफरेंशिएशन du by dx, एंड यहां पे जो लिखा हुआ है ना इंटीग्रेशन v dx वो कॉपी, इंटीग्रेशन v dx कॉपी, बस ये है हमारा u into v। तो ये f into g जैसा डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन नहीं है, एक बात समझ लेना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। u into v का इंटीग्रेशन एंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ यू का डिफरेंशिएशन वी का इंटीग्रेशन कॉपी। अब आपको ये अगर याद नहीं रहता तो मैं आपको हिंट नहीं है समझा देता हूं फिर से। देखो यू कांस्टेंट है, वी का इंटीग्रेशन है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यू का डिफरेंशिएशन करना है, बस और कुछ नहीं है। देख लो ये दोनों टर्म, देखो यू कांस्टेंट वी का इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट टर्म जो आ रहा है ना उसमें आपको यू का डिफरेंशिएशन करना है, और ये तो कॉपी है, देख लो आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी देखो डायरेक्टली, और यहां पे क्या करना है माइनस होल इंटीग्रेशन लगा तो लास्ट में, बहुत सिंपल है, समझा रहा हूं। अगर आप मान लो ये फॉर्मूला आप नहीं देख रहे हो, चलो फॉर्मूला हमें बनाना है। ओके, अभी इस फॉर्मूले को नहीं देखेंगे तो कैसे बना सकते हैं, मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहाँ पे यू इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स लिखा, यू इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स। अब u का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और ये कॉपी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे du by dx into ये कॉपी इंटीग्रेशन v dx, बस इतना तो लिखना आएगा ना, ये u है ये du by dx है, क्लियर है। और होल इंटीग्रेशन ऑफ बीच में माइनस, तो ये समझ में आना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो u एंड v की बात करते हैं। चलो u दिया हुआ है, u का फॉर्मूले में क्या है, डिफरेंशिएशन है इंटीग्रेशन है, यस u का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है, देख लेना। u का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और v अवेलेबल है, u का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना होता है, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, और v का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, सही है ना, उसमें v का डिफरेंशिएशन नहीं है।
तो आपको समझ में आ रही होगा कि जिसका डिफरेंट इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है ना, उसको यू लेना चाहिए। जिसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है उसको यू लेना चाहिए, और जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको वी लेना चाहिए। इन शॉर्ट तो आपको समझ में आ गया होगा ये यू वी मेथड। ओके, बट इसके अंदर अब आपको ये क्वेश्चन उठेगा कि सर यू ही देना किसको, यू किसको लेना चाहिए, वी किसको लेना चाहिए, कि या फिर कैसे भी करके आप यू वी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन उठता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने तरीके से यू वी सिलेक्ट नहीं कर सकते। पहली बात याद रखना, यू वी सिलेक्ट करने के लिए मेथड बता रहा हूं, रूल ऑफ आई लेट या फिर लियट, एल आई या फिर एल आई एल लिख सकते हो। आई लेट में लिख रहा हूं, ध्यान देना, बुक के अंदर कहीं बुक्स के अंदर JEE के अंदर आई लेट दिया हुआ है, बोर्ड कहीं बोर्ड के अंदर लियट दिया हो सकता है। ओके, तो उस पर कोई इश्यू नहीं है, आई लेट में लिख रहा हूं। आई लेट कर हिसाब से आपको यू सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? यू सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं, यू इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू आई लेट। आई लेट के हिसाब से पहले यू सिलेक्ट करना है। अब ये क्या है, आई क्या है, एल क्या है, ए क्या है, टी क्या है, ई क्या है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, आई एक्सप्रेशन यहां पे दे देता हूं, आई एल ए टी ई का। ओके, चलो सॉरी, तो ये आई क्या है, आई इज अ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके, जैसे कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, वो समझाने की जरूरत नहीं आई थिंक। एल मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन, एल मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉग एक्स, लॉग टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा कुछ भी हो। ए एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब कि पॉलीनोमियल, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस थ्री, वन बाय एक्स, सब कुछ। टी ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक। ओके, चलो ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल इसके अंदर होता है ई रेस टू एक्स, टू रेस टू एक्स, थ्री रेस टू एक्स, फोर रेस टू एक्स, सब कुछ। तो आप ये याद रखो, आई लेट का फॉर्मूला, आई लेट का रूल जो है उसमें आई इज फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एल फॉर लॉग, ए फॉर एलजेब्रा, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ओके, अब हमें यहाँ पे ये रूल समझना है कि रूल क्या कह रहा है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। तो वो पहले मैं बता दूं आपको कि अगर मान लो दो फंक्शन दिए हुए, एक है एक्स स्क्वायर ई और एक है साइन एक्स। ओके, इंटीग्रेशन डीएक्स दिया हुआ, अभी मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूं, ये एग्जांपल है ओनली। तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है और ये कौन सी कैटेगरी में आता है वो देख लो। ये कौन सी, एक्स स्क्वायर कौन सी कैटेगरी में आएगा, पॉलिनोमियल है ना एक्स स्क्वायर, तो वो आएगा एलजेब्रा वाली कैटेगरी में, दैट इज ए। साइन एक्स किस कैटेगरी में आने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री, तो यहाँ पे आएगा टी। तो ए टी में पहले कौन आता है, आई लेट में आई एल ए टी, तो ए पहले आता है ना, तो ए पहले आता है, इसको राउंड करके इसको यू लेना है। तो यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वी इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? तो आपको ये बहुत डीप में मुझे समझाने की जरूरत नहीं, किसको यू और किसको वी लेना है वो आपको पता होना चाहिए। अब फॉर्मूले में देखो, तो फॉर्मूले में यू का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? बस ये हमारा ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रखना है।